शहर में जब से संचार बंदी लागू हो चुकी है और लॉकडाउन जो पूरा भारत हो चुका है, ऐसे में पीने वालों की तो कब खैर नहीं, मगर कुछ ऐसे भी पीने वाले हैं जो आए दिन शहर के वाइन शॉप को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं नागपुर शहर के लकड़गंज परिसर में आने वाले सागर वाइन शॉप की, जहां पे कुछ अज्ञात आरोपी ने रात 10 बजे शटर का ताला तो जरूर तोड़ा और उद्देश्य था कि दारू की चोरी करना, मगर अफसोस कि वहां पे सेंसर लॉक लगने से शटर का ताला पूरी तरह से नहीं तोड़ पाए और मायूसी के साथ वे खाली हाथ लौट गए, जिसकी जांच अब लकड़गंज पुलिस और राज्य उत्पादन शुल्क आगे की कार्रवाई कर रही है। डालते हैं एक नजर। जब से शहर में लॉकडाउन हो चुका है, तब से पूरे शहर की जितने दुकानें हैं पूरी तरह से बंद है। लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आदेश का पूरी तरह से पालन करते हुए नजर आ रहे, जिसमें कुछ ऐसे शराब बेचने वाले फिर दुकानदार क्यों न हो, उन्होंने भी इस प्रकार का पालन किया है। जी हाँ, हम इस समय में लकड़गंज के उस सागर वाइन शॉप में हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि ये दुकान दिखने को तो खुली दिखाई दे रही है, मगर हम बता देते हैं कि ये दुकान खुली नहीं है, बल्कि ये दुकानों में शराब ले जाने के लिए यहाँ का शटर जो है उसका लॉक तोड़ा गया। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार लॉक की कुंडियां यहाँ गिरी हुई है। यहाँ सरकार का एक स्टैम्प भी लग चुका है ताकि ये दुकान कतई न खुले, लॉकडाउन का पूरा पालन करे, एहतियात बरते, इसलिए सरकार के विभाग की ओर से यह सील भी लगाया गया है। मगर अफसोस कि पीने वालों को तो बहाना चाहिए और इसी तर्ज पर कुछ अज्ञात आरोपियों ने लॉक तोड़ने का प्रयास किया, वे पूरी तरह से असफल है, इसकी प्रमुख वजह यह है। अब हम आपको लेके चलते, ये वही सेंसर है जो दबाने के बाद ही ये लॉक खुलता है। इस तरह की एक अच्छा कामकाज यहाँ पे किया गया था दुकानदार की ओर से, जिसके चलते जो अज्ञात आरोपी है वे पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए, महज लॉक तोड़ दिया और जिसकी भनक लगते फिर यहाँ राज्य उत्पादन शुल्क और लकड़गंज के पुलिस यहाँ पे आए और जांच पड़ताल जारी। आप देख सकते कि इस समय में राज्य उत्पादन शुल्क के PI कोरे राव साहब कोरे मौजूद है, जो कि अक्सर आए दिन शराब माफिया और जो अवैध तरीके से कामकाज कर रहे उनके ऊपर में डंडा चलाते हुए, कानूनी डंडा चलाते हुए नजर आ रहे। अब तक के हजार लोगों के ऊपर भी इन्होंने कार्रवाई की। ऐसे शहर के जानदार शानदार राव साहब कोरे, इनसे हम बात करेंगे। राव साहब, ये बताइए कि जिस तरह से ये कामकाज हुआ है, क्या आपको लगता है इसमें कोई दुकान मालिक की सोची समझी साजिश तो नहीं दिखाई दे रही? 100% ऐसा कुछ नहीं है। और जो लकड़गंज पुलिस स्टेशन के बाजू में FL2 है सागर का नाम का, और लाइसेंस ही अच्छा आदमी है, उन्होंने फ़ोन करके हमें इधर बुलाया था, हम आए, पुलिस वाले लोग भी है साथ में, सब मिलके ये अभी देखा तो नीचे के दो लॉक है वो कट गई है, लेकिन यहाँ जो सेंसर की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है शटर ऊपर जाने की नीचे आने की, इसकी वजह से एक बॉटल भी चोरी नहीं हुआ और कुछ वो आदमी अंदर भी आ नहीं सका। फिर भी पुलिस ऑफिसर जो है उन्होंने वो सब जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग ले रहे हो और वो पेन ड्राइव में लोड करके हमारे लाइसेंस से उनको देंगे, और जो भी लॉक कटा है वो जिसने कटाया है उसका भी पता हम पुलिस की पुलिस लोग निश्चित 100% वो निकालेंगे। और एक बहुत अच्छी बात है कि ये चोरी नहीं हुई, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये शटर नहीं होता तो चोरी हो जाती है, इसी इलेक्ट्रॉनिक सेंसर सिस्टम है इसलिए ये बच गया है। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर होने की वजह से ये लॉक है या शटर है जो जो अज्ञात आरोपी उसको तोड़ने में पूरी तरह से असफल है। इस समय में इस सागर वाइन शॉप के मालिक, क्या नाम है आपका? निखिल भोयर साहब। ये निखिल जी, ये बताए कि जिस तरह से कामकाज हुआ, क्या लगता है आपको? अभी जल्दी सब खुल जाना चाहिए। फुटेज में क्या दिखाई दे रहा है? अंदर नहीं घुस पाए चोर। ये कितने बजे का क्या घटना, पूरा ब्यौरा बताए, कितने बजे का ये समय है? ये रात को हुआ है, रात को 12 बजे के बाद सिर्फ सुबह के बीच में शटर तोड़ने का कोशिश किया गया है। क्या उद्देश्य होगा उन लोगों का? दारू चोरी करने का। आप जिस प्रकार से लॉकडाउन हुआ उसको क्या आपका समर्थन है, क्या क्या कहना चाहोगे? नहीं, अच्छा है लॉकडाउन हुआ, इसलिए बहुत फैलने से बच गया, कम्युनिटी स्प्रेड होने से बच गया है। बेशक, ये तो आप थे भोर एक भोर, भले ही दारू का व्यवसाय करते हैं, वाइन शॉप चलाते हैं, लेकिन उनमें भी सरकार के आदेश पालन करना चाहिए, यह ऐसा उनका कहना है, क्योंकि
कोरोना वायरस की यदि जन जागृति और रोकथाम करना है तो हम सब ने देश सेवा जैसे काम करना चाहिए। आज इनके शटर तो जरूर तोड़ा गया मगर सेंसर के वजह से बच गया। हो सकता है कि शहर के कुछ ऐसे भी दारू के वाइन शॉप है जो अज्ञात आरोपी तोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दारू के लिए लोग तील तील मर रहे हैं मगर लॉकडाउन होने की वजह से उनकी एक भी चल नहीं रही है, क्योंकि पूरे देश के लोग इसको समर्थन देते हुए लॉकडाउन को समर्थन देते हुए नजर आ रही है। नागपुर के लकड़गंज से सागर वाइन शॉप से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।